लेन देन की नहीं, बड़ी लेन देन की बात है। टेम्पो और ट्रक इतना पैसा दिया गया। हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। सब कुछ गए करने, फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है, और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर बड़ी, सिर्फ लेन देन की नहीं, लेन देन की नहीं, बड़ी लेन देन की बात है। टेम्पो और ट्रक इतना पैसा दिया गया, टेम्पो और ट्रक देखिए, ये इसके लिए जिम्मेदार हमारी जुडिशरी, हमारी न्याय व्यवस्था। एक पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं, चुनकर आते हैं, और दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि गुप्त मतदान है, सीक्रेट वोटिंग। हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। हमारे 40 MLA और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के 40 MLA जिसने पार्टी बदल दी है, उसके खिलाफ एक पिटीशन चल रही है, और जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है ये गैरकानूनी है, ये सीधा सीधा पक्षांतर विरोधी जो कानून है, दल बदल कानून के खिलाफ ये कहा है। सब कुछ गए करने, फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है, और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर। हम 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े कि महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही, वो खुलेआम विधायक हो सांसद की खरीदी बिक्री बराबर परचेस बिलिंग कर रही, और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही, तारीख पे तारीख। 14 जुलाई को आर्गुमेंट होने वाला था या अंतिम, अब 14 अगस्त दे दिया। हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में, वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूं, और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम न्याय व्यवस्था, देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। जिस तरह से क्रॉस शूटिंग हुआ है और जिस तरह से ज्यादा होश इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं, तो सभी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं। जो हमारे महा विकास आघाड़ी के साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी है लोग, ना कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उनके लोगों ने की है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कानून, संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हम 40 हमारे जो MLA और NCP के 40 MLA के खिलाफ जो हमारी पिटीशन है, इसलिए है उनको डिस्क्वालीफाई करिए। जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संवैधानिक काम करते हैं विधायक, उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ये अर्बन नक्सल कानून जो है वो अपने विरोधियों को तकलीफ देने के लिए बहुत से कानून लाए, लेकिन खुद के ऊपर नहीं चलाते, दवा खुद नहीं लेते, वो दवा में जहर मिलाकर दूसरे को देते हैं। थैंक यू।